सदस्य जहां विशेष न्यायाधीश थपलियाल ने कहा नेशनल लोक अदालत में रखे जाएंगे 9317 प्रकरण। जी हां, खबर है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में नेशनल लोक अदालत में पक्षकार अपने प्रकरणों का निराकरण सुलह एवं समझौते के आधार पर करवा सकते हैं। साथ ही कोर्ट प्रकरण से होने वाले मानसिक एवं आर्थिक दबाव को भी दूर कर सकते हैं। इसलिए समय समय पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है जिसे पक्षकारों के मध्य सुलह एवं समझौते का निराकरण करवा जा सके। अतः पक्षकार नेशनल लोक अदालत में आकर सुलह एवं समझौते के आधार पर अपने प्रकरण का निराकरण कर लोक अदालत में दी जाने वाली छूटों की अधिक से अधिक लाभ उठाएं। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री राकेश कुमार सोनी ने बताया कि 11 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में पहली बार जन उपयोगी लोक सेवाओं के तहत 5 प्रकरण रखे जाएंगे। देखिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की यह रिपोर्ट। लोक अदालत में भी पहले की लोक अदालतों की तरह विभिन्न प्रकार के सिविल और दंडिक प्रकरण और वैवाहिक प्रकरण सभी रखे जाने का हम लोगों ने प्रावधान किया है। इसमें आपराधिक समनी प्रकरण जिसको क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस बोलते हैं जिनमें राजीनामा हो सकता है वो 154 प्रकरण रखे गए हैं। धारा 138 NI-8 जिसको कि चेक बाउंस के प्रकरण बोलते हैं वो भी बहुत संख्या में है, तो 386 प्रकरण इसको रिफर किया गया है लोक अदालत के लिए। MSET क्लेम प्रकरण, MSET क्लेम का मतलब होता है जो मोटर यान दुर्घटना के कारण जो किसी आदमी को की मृत्यु हो गई या किसी को चोट लग गई या संपत्ति की नुकसान हो गया, ऐसे प्रकरण 685 रखे गए हैं। विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरण जिनमें विद्युत की चोरी, विद्युत का अनधिकृत रूप से उपयोग के संबंध जो प्रकरण बनाए जाते हैं बिजली विभाग के द्वारा और न्यायालय में पेश किए जाते हैं, ऐसे प्रकरण 553 रखे गए हैं। सिविल मामले, दीवानी मामले जिनको कहते हैं, 96 हैं। और वैवाहिक मामले जो कि पारिवारिक विवाह से संबंधित मामले 51 मामले रखे गए हैं। और अन्य मामले 131 मामले रखे गए हैं। इस प्रकार कुल 2056 मामले लोक अदालत में रेफर किए गए हैं जिनमें कि राजीनामा होने की संभावना व्यक्त की गई है। ये तो रेगुलर प्रकरण है, इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन प्रकरण होते हैं। प्री लिटिगेशन का मतलब होता है जिनमें अभी कोर्ट में वाद नहीं आया है, और जब कोर्ट में दावा आ जाता है तो रेगुलर प्रकरण हो जाते हैं। और प्री लिटिगेशन का मतलब होता है कोर्ट में प्रकरण आने के पूर्व के, तो ऐसे इसमें विभिन्न विभागों के जैसे बैंक का, जल कर, विद्युत प्राधिकरण, संपत्ति कर से संबंधित, ये सब प्री लिटिगेशन जो है ये 7261 केस रखे गए हैं, 7261 केस। सर ये जनउपयोगी लोक उपयोगी खंडपीठ का क्या कंसेप्ट है? ये जनउपयोगी लोक उपयोगी सेवा से संबंधित इस बार पहली बार लोक अदालत में रखा गया है। ये जनउपयोगी लोक उपयोगी सेवाओं एक महत्वपूर्ण अंग है और इसका प्रचार प्रसार होना जरूरी है। जनउपयोगी लोक से उपयोगी सेवाओं में कुछ चिन्हित सेवाएं जिनमें कि बैंक, विद्युत विभाग, अपना सार्वजनिक निर्माण विभाग और नगर पालिका से संबंधित प्रकरण जिनमें कि लोगों का हित प्रभावित होता है और लोग उन विभागों से संपर्क करते करते थक जाते हैं या परेशान हो जाते हैं जहाँ उनको कोई रिलीफ नहीं मिलती है, ऐसे प्रकरणों को लोग उपयोगी जन उपयोगी सेवा के अंतर्गत अपने विधिक सेवा प्राधिकरण में एक सिंपल आवेदन पत्र पेश करके और उसमें जो आपको वांछित अनुतोष चाहिए, जो आपको सहायता चाहिए उसका निवेदन करते हुए पेश किया जा सकता है, जिसमें कि किसी प्रकार का कोई भी न्यास शुल्क आदि लगाने की जरूरत नहीं होती, कोई एडवोकेट भी लगाने की जरूरत भी नहीं होती है। तो ये उसके बाद ये विधिक सेवा प्राधिकरण के हमारे सचिव साहब के पास ऐसे आवेदन जाते हैं और उनका दूसरे पक्ष को जो कि उसका प्रतिपक्ष होता है उसको बुला करके और दोनों पक्षों के सामने उसको सुलझाने का प्रयास किया जाता है।
और यदि दूसरा पक्ष सहमत हो जाता है जनउपयोगी जो भी उसकी पीड़ा है या जो उसको सहायता चाहिए उसके लिए तैयार हो जाता है तो वहीं पर उसका सेटलमेंट हो जाता है। और अगर विभाग नहीं कर रहा उसका समाधान तो साहब उसको एक ऑर्डर पारित कर देते हैं और वो ऑर्डर पारित कर देते हैं तो ऑर्डर का भी इन्फोर्समेंट हो सकता है, उसका भी क्रियान्वयन हो सकता है। तो ये जन उपयोगी सेवा एक बहुत अच्छी सेवा है, इसका प्रचार प्रसार आप लोगों को भी अपेक्षित है कि करें, जिससे कि अधिक जैसे कि पूर्व में भी हम लोगों ने यहाँ विद्युत विभाग से संबंधित कई जन उपयोगी आदेश किए हैं जिसमें कि विद्युत के करंट से कुछ लोगों की बच्चों की डेथ हो गई थी, वो हो गई थी, तो उसको केवल एक सिंपल आवेदन पत्र में कोर्ट में जाने की जरूरत, कोर्ट में क्योंकि टाइम भी लगता है, कोर्ट फीस भी लगती है, एडवोकेट भी लगाना पड़ता है, लेकिन इस जनउपयोगी सेवा में ये सब कुछ नहीं करना है आपको, बस केवल अपना सिंपल आवेदन में सब कार्रवाई हो सकती है। ऐसे ही अगर आपको PWD विभाग से कोई गिरव्यांश हो या नगर पालिका से कोई गिरव्यांश हो या बैंक से संबंधित कोई गिरव्यांश हो या बीमा कंपनी से संबंधित कोई गिरव्यांश हो तो उसका भी आप सिंपल आवेदन पत्र करके निपटारे का प्रयास कर सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा पक्ष ये है कि इसमें कोई बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पक्षकार को बिल्कुल सिंपल में ही केवल आवेदन में ही उसका निराकरण हो जाता है। तो इसका आप लोग भी अपेक्षा है कि अधिक से अधिक प्रचार करके लोगों को इसकी ओर प्रेरित करेंगे और अधिक जानकारी हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव साहब से भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको पूरा उसका लिटरेचर उपलब्ध करा देंगे जनउपयोगी लोक उपयोगी सेवा को। यह जनउपयोगी लोक उपयोगी सेवा पहले भी थी, लेकिन पहले क्या है किसी एक जज को दी जाती थी स्पेसिफिक, जैसे फर्स्ट एड डीजे, तो उनके पास उतना समय नहीं होता था कि सब निराकरण कर सके हैं। लेकिन अब सचिव जी के पास है अपने विधिक सेवा प्राधिकरण के, तो वहाँ कभी भी, क्योंकि वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तो कभी भी उपस्थित होकर के पीड़ित पक्ष का आवेदन कर सकता है और इस बहुत अच्छी सेवा का लाभ उठा सकता है, जिसमें कि त्वरित समाधान भी होता है बिना किसी पैसे के, बिना किसी नुकसान के उसका समाधान हो जाता है।